हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने पास ये थ्योरम है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ एंथ डिग्री एन एक्स, देन द एंथ डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड एन प्लस वंथ डिफरेंस इज जीरो। फ्रेंड्स, इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है अगर हम कोई पॉलिनोमियल लें एन डिग्री का तो उसका हम डिफरेंस निकालें तो जो एन वा डिफरेंस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, और साथ ही में शो करना है जो एन प्लस वन का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। अब फिर इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। फिर हमने कोई पॉलिनोमियल मान लिया जो कि डिग्री एन का है, लेट एफ एक्स बराबर, हमने ये मान लिया ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस चलता हुआ ये है अपने पास ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। अब फिर ये मान लिया वेयर ए वन ए टू ए एन एंड ए जीरो आर कॉन्स्टेंट, तथा साथ में ये भी ये होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए एन जो होगा वो इक्वल नॉट जीरो, ए एन इक्वल नॉट जीरो, क्योंकि अगर ए एन इक्वल टू जीरो हो गया तो अपने जो पॉलिनोमियल है वो एन डिग्री का ना हो, क्योंकि एन माइनस वन डिग्री का हो जाएगा, तो ए एन इक्वल नॉट जीरो। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से निकालते हैं एफ एक्स प्लस एच, जब एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, वो होगा अपने पास ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस चलता हुआ ए वन एक्स प्लस एच प्लस ए जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें निकालना है, पहले सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, पहला डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहला डिफरेंस में डेल एफ एक्स आ गया अपने पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच क्या ही रहा है ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस सॉरी प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस चलता हुआ ए वन एक्स प्लस एच प्लस ए जीरो, इसमें से माइनस करना है हमें एफ एक्स, एफ एक्स माइनस करना है तो ये हो जाए एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस चलते हुए ये हो गया अपने पास ए वन एक्स वन या वन प्लस ए जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। अगर हम इसमें माइनस करें तो हम यहाँ देख सकते हैं ए एन यहाँ पे एक्स पावर एन आएगा, तो अब इसको खोलें हम तो एक्स पावर एन इसको हम कैसे खोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसको खोलने के लिए फॉर्मूला जो होता है एक्स प्लस एच पावर एन होता है एन सी जीरो एक्स की पावर एन एच जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच वन प्लस डॉट डॉट चलते हुए एन सी एन एक्स की पावर जीरो एच की पावर एन, ये होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं इसको खोलते हैं तो ये होगा एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, ये एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच वन प्लस चलते हुए ये हो जाएगा एन सी एन एन सी एन की वैल्यू भी वन होती है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, वन और एक्स पावर जीरो वन हो जाएगा, ये हो गया एच की पावर एन, ये हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से ये खुल जाएगा। तो ये अगर इसमें हम ए की पावर एन का मल्टीप्लाई कर दें, ए की पावर एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए की पावर एन एक्स प्लस एच की पावर एन, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन एच प्लस डॉट डॉट चलते हुए, यहाँ पे भी ए एन का मल्टीप्लाई है ए एन एच की पावर एन, ये हो गया। अब जब ये आ गया है हमारे पास तो हम फ्रेंड देखते हैं इसमें इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये अगर हम यहाँ पे इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करें, इस टर्म को इसमें से माइनस, अब इसको फिर से लिखें हम ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस
एन एक्स पावर एन। इस टर्म को और इस टर्म को लिया है हमने फ्रेंड्स। अगली टर्म में ए एन माइनस वन एक्स पावर एच एन माइनस वन एक्स पावर एक्स प्लस एच एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन एंड एक्स एन माइनस वन, ये वाली टर्म एंड एच। सॉरी यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो गया प्लस चलते हुए। ये जैसे लास्ट की टर्म है ए वन एक्स प्लस एच, ए वन एक्स प्लस एच माइनस ए वन एक्स प्लस, यहाँ पे ये टर्म है ए जीरो और यहाँ पे भी टर्म है ए जीरो, तो ए जीरो माइनस ए जीरो। अब फिर सी आ गया हमारे पास, तो हम इसको देखते हैं। हम यहाँ पे ये इसको हम जब खोलते हैं तो इसमें आता है ए वन एक्स पावर एच की पावर एन में ए वन ए एन एक्स पावर एन, जो कि इससे मिलता हुआ है माइनस ए एन एक्स पावर एन, तो ये घट जाएगा। और जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास एन सी वन एच सी वन एक्स पावर एन माइनस वन एच प्लस डॉट डॉट ए एन बी एन माइनस वन, यानी कि जो इसकी पावर रह जाएगी वो एन से घट के एन माइनस वन रह जाएगी। कुल मिला के हमारे पास सेंस ये निकला है इसका कि जो पावर है वो ये घट गई, यहाँ पे ये घट चुकी है। बाकी को हम इसी तरह लिख देते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा अपने पास यहाँ एन सी वन एक्स और एन माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स और एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलते हुए, ये हो गया हमारे पास। लास्ट की टर्म क्या है यहाँ पे ए वन एच एन, सॉरी ए एन एच एन, ये है फ्रेंड्स। फिर हम इसमें जाते हैं, तो इसमें भी हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग एक टर्म आएगी ए एन माइनस वन एक्स और एन माइनस वन, जो कि इसको घटा देगी। तो वो अगली टर्म आएगी वो इसको हटा देगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री एक कम हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारे पास एन माइनस वन सी वन से स्टार्ट होके एक्स और एन माइनस टू एच प्लस एन सी एन माइनस वन सी टू एक्स और एन माइनस थ्री एच स्क्वायर प्लस चलते हुए। लास्ट टर्म जो बचेगी वो बचेगी हमारे पास एन माइनस वन सी एन माइनस वन सी की पावर एन माइनस वन, और साथ में यहाँ पे ए एन माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन और एच की पावर एन, ये बच जाएगा। इस तरह प्लस चलते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे देखते हैं ए वन एक्स से ए वन एक्स कट जाएगा, ओनली एच बच जाएगा और यहाँ पे जीरो हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारा पॉलिनोमियल था यहाँ पे एन डिग्री का था, यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल हो गया वो एन माइनस वन डिग्री का हो गया। अब फ्रेंड्स पॉलिनोमियल एन माइनस वन डिग्री का हो गया, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डेल डेल ही निकाल रहे थे, डेल एफ एक्स यहाँ पे निकाल डेल एफ एक्स ही था अपने, तो डेल एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम कोई बी एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल दे देते हैं, जहाँ कॉन्स्टेंट को अलग नाम दे देते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे हम देख चुके हैं कि यहाँ एन माइनस वन अगर इसको इस टर्म को एन सी वन बी एन माइनस वन एच, तो इस टर्म को हम दे सकते हैं एन सी वन एन एक्स पावर एन माइनस वन एच, यानी एन सी वन और एच का हम अलग दे सकते हैं बी एक्स पावर एन माइनस वन। फिर एन सी टू एक्स पावर टू के लिए देखते हैं एन सी टू यहाँ पे मिल रहा है और एन माइनस वन सी वन, मतलब एन सी टू डॉट एच स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस वन सी वन एच, इन दोनों को हम अलग से दे देते हैं बी टू सॉरी या बी वन या बी टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस चलते हुए, ये हमारे पास चलता हुआ जाएगा एंड बी एन माइनस वन तक चला जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से लास्ट तक की टर्म हमारे पास जो एच थी उसको हमने बी एन माइनस वन नाम दे दिया एक अलग से। तो हम देखते हैं डेल एफ एक्स है वो अपने पास एक डिग्री इसके से कम हो गई, पहले जो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन एंड अगेन
रिपीट दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स हमने जो प्रोसेस यहाँ पे किया था, अब हम उसके लिए प्रोसेस अब निकाल सकते हैं। हम उसके लिए डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालें तो डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, अपने पास डेल और अपने पास जो डेल एफ एक्स है डेल एफ एक्स, जब हम इसका प्रोसेस निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसको हम जैसे अब एफ एक्स ले लें डेल और इसको हम अलग से एफ डैश एक्स ले रहे हैं जो कि हमारे पास डिग्री एन माइनस वन का है, ये एन माइनस वन का है। अब इसको निकालेंगे तो डिग्री एन माइनस टू का हो जाएगा ये, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स हैव डिग्री एन माइनस टू, ये हो गया। अब फिर इसी तरह चलते हुए डेल एन एफ एक्स क्या होगा अपने पास, डेल एन एफ एक्स तो ये होगा अपने पास, इसको देखें डेल क्यू, अब एफ एक्स देखें तो वो इसी तरह चलता हुआ एन माइनस थ्री, इस तरह डेल एन एफ एक्स हो जाएगा अपने पास हैफ डिग्री एन माइनस एन इक्वल टू जीरो। अब एन माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी कि डेल एन एफ एक्स एक जीरो कब होगा, ये डेल यहाँ पे हम ले सकते हैं, फिर डेल एन माइनस वन ले लेते हैं, डेल एन माइनस वन एफ एक्स तो होगा एन माइनस वन यानी कि वन डिग्री का होगा कोई पॉलिनोमियल। अब हमें निकालना है डेल एन एफ एफ एक्स, अब इसको हम दे देते हैं डेल एन एफ डेल एन माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू सम एफ एक्स एफ डबल डैश सॉरी एफ डबल डैश ऑफ डिग्री वन, यहाँ पे दे दिया हमने कोई एफ एक्स दे दिया उसको डिग्री वन का दे दिया। इस तरह इसको इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं ए वन सॉरी ए वन एक्स, वेयर ए वन इज एनी कॉन्स्टेंट, एक्स अपना जो वेरिएबल है वो है अपने पास। अब यहाँ ये अपने डेल एन एफ एक्स हो गए तो डेल एन एफ एक्स निकालते हैं तो वो आएगा डेल डेल एन माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू डेल ऑफ ए वन एक्स, तो डेल ए वन एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ए वन एक्स प्लस एच माइनस ए वन एक्स जो कि आ गया ए वन एच क्योंकि ए वन एक्स माइनस ए वन एक्स घट जाएगा तो ए वन एच हो गया। सो डेल एन एफ एक्स जो डेल एन एफ एक्स था ये कॉन्स्टेंट है, ये अपने पास कॉन्स्टेंट आ चुका है। नाउ ये हमारा फर्स्ट शो हो गया, हम फर्स्ट में प्रूव कर दिया कि जो एन एन वा डिफरेंस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। नाउ डेल एन प्लस वन एफ एक्स इक्वल टू, अब डेल एन एन प्लस वन एफ एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास डेल डेल एन एफ एक्स ये होता है। तो डेल एफ एक्स क्या अपने पास कोई कॉन्स्टेंट सी है, तो कॉन्स्टेंट सी का हम निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट सी क्या होता है, इस पर इसको हम जैसे एफ एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स दे देते हैं इसको इक्वल टू सी, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच भी सी होगा तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी कि हो जाएगा सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। सो डेल एन प्लस वन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ एफ एक्स हैव डिग्री एन, अगर फ्रेंड्स एफ एक्स डिग्री एन का है तो जो उसका एन प्लस वन का अंतराल होगा वो जीरो होगा। इसके अलावा हम एन प्लस टू का निकालेंगे तो जीरो भी एक कॉन्स्टेंट है तो उसका भी जीरो होगा, एन प्लस थ्री का निकालेंगे तो वो भी जीरो होगा, यानी कि जो कि एन से जो ऊपर भी जो भी हमारे पास एन वन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन सो ऑन ये सभी हमारे पास जीरो जीरो होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।